देवता की आड़ में मृत महिला के साथ अमानवीय व्यवहार के उपरांत सरकाघाट उपमंडल के गाहर पंचायत में बड़ा माहल गांव के देवमूल महुनाग पिछले 1.5 माह तक मंदिर के बजाय अपने गुरु के घर विराजमान रहे। इन्हें सर्वदेवता कमेटी मंडी व पुलिस प्रशासन की अगुवाई में पूरे विधि विधान सहित मूल मंदिर में प्रवेश करवाया गया। देवता की आड़ में वृद्ध महिला के साथ अमानवीय व्यवहार के उपरांत सरकाघाट उपमंडल की गाहर पंचायत में बड़ा समाहल गांव के देवमूल महुनाग पिछले 1.5 माह तक मंदिर के बजाय अपने गुरु के घर विराजमान रहे। सर्व देवता कमेटी मंडी व पुलिस प्रशासन की अगुवाई में पूरे विधि विधान सहित मूल मंदिर में प्रवेश करवाया गया। सर्व देवता कमेटी के प्रधान शिवपाल शर्मा ने क्षेत्र के लोगों और मंदिर आस्था का आह्वान किया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को ना दोहराया जाए, देवता की आड़ लेकर किसी पर कोई जुल्म व छल न किया जाए। सभी लोगों ने पूर्ण आहुति के साथ देवता का मंदिर में विराजमान करवाया। इस दौरान कड़ी सुरक्षा के बीच सैकड़ों लोग मौजूद रहे। बता दें कि बड़ा समाहल गांव में देवता की आड़ में महिला के चेहरे पर कालिक पोत कर क्रूरता का मामला सामने आया था, जिसमें 2 दर्जन से अधिक गिरफ्तारी हुई थी। इस अवसर पर SHO सरकाघाट राजकुमार शरभ देवता कमेटी से दिनेश कुमार, मनोज कुमार, युद्धवीर शर्मा, मूल महुनाग मंदिर के पुजारी दीनानाथ शास्त्री तथा गाहर पंचायत के प्रधान कुलदीप शर्मा सहित स्थानीय लोग मौजूद रहे। उसका आदर करना चाहिए और देवता की जो मर्यादा है उसमें रहकर कार्य करें और देवता की आड़ में कोई भी ऐसा गलत कार्य ना करें। इसलिए मैं सब जितने भी हमारे मांचल विकासदार हैं समस्त कादार को मैं आज ये निर्देश देता हूँ कि देवता की आड़ में कोई भी व्यक्ति गलत कार्य न करे जिससे देव समाज खराब हो, क्योंकि हमारे मांचल देवभूमि है। देवभूमि की आस्था को रखते हुए देवते को श्रद्धा हर व्यक्ति की श्रद्धा है, छोटे से लेकर बड़े तक सबकी श्रद्धा है। तो ये था आजमगढ़ का कार्यक्रम। कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए ऐश्वर्य के साथ। नमस्कार।